जिले की नगर परिषद खांड में बिहोरी एसडीएम प्रियांशी भवर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व शासकीय परियोजना चिकित्सालय बाणसागर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित डॉक्टरों एवं नर्स को निर्देश देते हुए कहा कि आने वाले समय में मरीजों की संख्या बढ़ने पर परियोजना के अस्पताल को कोविड के अस्पताल के रूप में संचालित करने का प्रयास करें, जिससे कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बिहोरी तक न आना पड़े। एसडीएम प्रियांशी भवर द्वारा संबंधित कर्मचारियों से अस्पताल के सैनिटाइजेशन का फीडबैक भी लिया गया। एसडीएम ने किल कोरोना अभियान की सर्वे टीम से जाना कि लोगों को दवाइयां मिल रही हैं कि नहीं। एसडीओपी भविष्य भास्कर, एसडीएम प्रियांशी भवर ने थाना प्रभारी देवलोंद विजेंद्र मिश्रा एवं व्यापारी वर्ग देवलोंद के सहयोग से नगर पालिका के सफाई कर्मियों को राशन वितरित भी किया। इस दौरान एसडीएम प्रियांशी भवर ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा की परिकल्पना को साकार करता है। हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मियों का अमला पिछले एक वर्ष से दिन रात परिश्रम कर रहा है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथियों के द्वारा इस महामारी के दौरान किए जा रहे सहयोग को पहचाने एवं उनका आभार व्यक्त करें। आज खांड नगर परिषद क्षेत्र के अंदर जो है भ्रमण किया है। बीएमओ साहब है, एसडीओपी साहब है, सीएमओ भी साथ में आए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो किल कोरोना अभी अभियान चल रहा है सरकार द्वारा जो लॉन्च किया है, उसकी जो सर्वे टीम जो सर्वे का कार्य कर रही है, संक्रमित लोगों की जो पहचान कर रहे हैं, उनको मेडिसिन का किट प्रॉपरली मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये देखने के लिए। दूसरा, कोरोना जो चल रहा है उसके अंतर्गत सीएमओ नगर परिषद द्वारा साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था है वो देखने के लिए, और यहाँ का जो अस्पताल है उसमें जो परियोजना वाला जो पोर्शन है उसको कोविड केयर सेंटर के रूप में स्थापित करने के लिए आज का निरीक्षण किया। कहाँ कहाँ गई आप वहाँ मौके पे? भ्रमण के दौरान वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 12 इनका देखा गया। इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर भी देख रहे हैं हम, उसकी भी व्यवस्था बना रहे हैं यहाँ पे। यहाँ का जो हॉस्पिटल है उसको देखा, परियोजना का हॉस्पिटल को देखा गया। आपके द्वारा यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग कमला है, नगर परिषद खान कमला है, क्या निर्देशित किया गया, कैसे क्या किया जाए? इनको निर्देशित अभी तो ये किया गया है कि जो पॉजिटिव लोग आए हैं उनके लोगों को सभी मेडिसिन का किट मिल जाए, सभी को सभी के घर सैनिटाइज हो जाए। इसके अलावा हर अल्टरनेट डे पर आप सारे वार्डों का जो है सैनिटाइजेशन करें। यहाँ के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, थाना हो गया, हॉस्पिटल हो गया और क्वारंटाइन सेंटर हो जाएगा, ये सभी पे मुख्य मुख्य जो प्लेसेस हैं उनको डेली सैनिटाइज करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही हॉस्पिटल स्टाफ को आज नया एम्बुलेंस दिया है, तो उसके रख रखाव मेंटेनेंस के लिए उनकी बात करी है और उनको निर्देशित किया गया है कि अब से जो भी कोविड का पेशेंट आए जितना ज़्यादा हो सके यहीं पर, अब ये सेल्फ सफिशियंट यूनिट बन गया है तो यहीं वो हैंडल कर लेंगे। उनको हमने ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिया है और आज कॉन्सेंट्रेटर आ जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेटर भी दे देंगे। कोरोना के किल कोरोना 3 में कितने यहाँ मरीज पा गए हैं और क्या कैसे उनके लिए व्यवस्था है? अभी यहाँ पर सभी वार्डों का सर्वे जो चल रहा है उसमें अभी तक 50 लोग जो है वो चिन्हित कर पाए हैं हम, जिन लोगों को अब हम मेडिसिन किट देने का काम कर रहे हैं। तो आगामी 1-2 दिन में उन सभी को उनकी आवश्यकता अनुसार मेडिसिन मिल जाएंगे। ब्योहारी तहसील क्षेत्र अंतर्गत अपने माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूंगी कि कोरोना की जो बीमारी है, महामारी के रूप में ये उभरती जा रही है, आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और केवल आवश्यक काम पड़ने पर ही बाहर जाएं और अपने घर वालों का, परिवार वालों का ध्यान रखें। जो हमारी सर्वे टीम आ रही है वो घर घर जा रही है, आपके घर पे खुद आ रहे हैं हम लोग, तो कृपया करके जो वो आपसे जानकारी मांगे वो सही सही जानकारी दीजिए, जिससे कि हम कोरोना जैसी महामारी को रोकने में सफल हों। अपने क्षेत्र में मैडम ये ब्लैक फंगस जो ये तीसरी लहर के दौरान आया है, हाँ, कोई मरीज अपने ब्योहारी क्षेत्र में? अभी ब्योहारी क्षेत्र में ब्लैक फंगस का कोई मरीज हमको नहीं मिला है, लेकिन हमें एहतियातन के तौर पर हमारे क्षेत्र को साफ स्वच्छ रखना पड़ेगा, जिससे कि अगर कल को कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो हम उसको टैकल कर पाए। इसी वजह से सीएमओ को निर्देशित करा है कि ये जो एरिया है इसकी साफ सफाई प्रॉपरली करवा ले, हॉस्पिटल के आसपास का एरिया, यहाँ पर जो हॉस्पिटल का जो यूनिट है जिसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वगैरह हम रखेंगे उनका नियमित जो है उसको सैनिटाइज करवाया जाए। वहीं दूसरी ओर बाणसागर मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र बेस द्वारा यह बताया गया कि बाणसागर मंडल की तरफ से शहडोल कोविड प्रभारी मंत्री बिसाऊलाल सी एवं क्षेत्रीय विधायक शरद कोल जी से हम लोगों द्वारा यह मांग की गई थी कि बाणसागर अस्पताल में भी कोविड मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए, साथ ही एक एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई जाए, जो मांग हमारी पूरी हो गई है और विधायक निधि से मिली एम्बुलेंस के स्वागत हेतु मौके पर एसडीएम
प्रियांशी भवर एसडीओपी भविष्य भास्कर थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह सीएमओ आनंद श्रीवास्तव बीएमओ डॉक्टर डी के पराशर डॉक्टर रघुवेंद्र सिंह डॉक्टर एस के गुप्ता विनोद रजक वीरेंद्र चतुर्वेदी मोहम्मद शरीफ एवं सभी स्वास्थ्य व नगर परिषद खांड की टीम के साथ भाजपा मंडल बाण सागर अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह बेस महामंत्री राम लखन गुप्ता कोषाध्यक्ष किशोर डोडवानी सुरेंद्र बेस आशीष सोनी एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित रहे। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। देवलो नानी का मुख्य प्रयोजन हमारा था, एक तो हमको अपने हॉस्पिटल में कोविड वार्ड संचालित कराना है, इसके लिए हम मांग किए हैं, बेड की भी मांग किए हैं और कंसंट्रेटर हमारे आ रहे हैं, तो लगभग हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, हम कोविड वार्ड का एक संचालन करेंगे यहाँ पर। दूसरा मेरा आने का प्रयोजन था कि यहाँ पर जो किल कोरोना सर्वे 3 का अभियान चल रहा है उसके बारे में, इसमें किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही है, वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, बढ़िया चल रहा है, उसमें जो सस्पेक्टेड केस आए हैं सर्दी खांसी बुखार के वो चिन्हित किए गए हैं, उनको हम एक दो दिन के अंदर दवाइयों की किट। मौके पे कैसी क्या व्यवस्था आपने देखी और क्या कमी पाई जिसको आप यहाँ भरपाई करने के आदेश दिए? मौके पर तो ऐसी कोई खास कमी नहीं पाई, पब्लिक का थोड़ा सहयोग भरपूर नहीं मिला, ये कमी जरूर पाई है, पब्लिक शायद ऐसा हो सकता है पब्लिक डरती हो बताने में, पब्लिक अपने लक्षणों को प्रकट नहीं कर पा रही है, जिसके कारण हमको सभी मरीजों को सभी मरीजों का जितने भी सर्दी खांसी के मरीज हैं सभी मरीजों के बारे में पता करने में थोड़ा सा समस्या का समाधान करना पड़ रहा है, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मरीज हमको पकड़ में आएंगे उतना हम ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छे दे पाएंगे और कोरोना को रोकने में सफल भी होंगे। अपने यहाँ ब्लैक फंगस का कोई ऐसा मूल मरीज नहीं? ब्लैक फंगस का वर्तमान में तो कोई मरीज अपने पास नहीं आया है, लेकिन इसकी जानकारी ज़रूर है, इसके रोकथाम के लिए अपन साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, अस्पतालों में भी सैनिटाइजेशन का काम बराबर जारी है और संभवतः ब्लैक फंगस का मरीज हम लोग कोशिश करें। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।